झज्जर पुलिस ने किया नकली वॉशिंग पाउडर शैम्पू व मसालों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली माल व बड़ी संख्या में अलग अलग कंपनियों के रैपर तथा पैक करने वाली मशीनें बरामद। क्या बरामद हुआ, कौन से ब्रांड का सर बनाते थे? आज हमें एक सूचना मिली थी कि भादौड़ के पटेल नगर के एरिया में एक अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है, जिसमें नकली सामान को ओरिजिनल पैकिंग्स में मिला, जैसे सरफ एक्सल, टाइड, डव शैम्पू, क्लिनिक प्लस शैम्पू, टाटा प्रीमियम टी, एमडीएच के मसाले, एवरेस्ट के मसाले, जिनको नकली सामान में पैकिंग करके यहाँ से बाहर भेजा जाता है। तो उस सूचना के आधार पर हमने जो इन कंपनी के लीगल जो पर्सन थे उनको सूचना दी है, हिंदुस्तानी वालों को और अपने एवरेस्ट एमडीएच मसालों वालों को सूचना दी, जो इनको बुलाकर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को बुलाकर साथ मिलकर रेड किया हमने यहाँ पर अपने सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में। तो यहाँ पर मौके पर हमें मैनेजर को मिला और ये सामान मिला, जो काफ़ी रैपर्स वगैरह हैं दूसरी कंपनियों के, अनलीगल काम ये लोग कर रहे थे, जिसकी काउंटिंग अभी की जा रही है। आज क्या क्या बरामद हुआ सर, कीमत कितनी होगी? आज ये करीब 8-10 टन के करीब माल है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, जो नकली सरफ एक्सल की जो पैकिंग कर रहे थे, खराब गुणवत्ता जो सामान है, जिसे असली नकली सामान को असली वेफर्स में पैक करके अभी इनका पता लगाया जाए कहाँ कहाँ इनके लिए कहाँ कहाँ माल की सप्लाई कर रहे थे। सर रैपर कहाँ से छपवाते थे और सप्लाई अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी देखेंगे कहाँ कहाँ से सप्लाई करते, मालिक अभी फरार है इसका। बनाते यहीं थे या खरीद के लाते थे सर? नहीं, पता करेंगे अभी इनसे। हाँ, अभी इसके है ना फैक्ट्री में मैनेजर को गिरफ्तार किया अभी। सर जिस मालिक कौन है सर, कहाँ का रहने वाला है? निखिल गर्ग मालिक है, भादौड़ का रहने वाला है। फैक्ट्री रजिस्टर्ड है या सर वैसे ही चल रही है? अभी तो देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं अभी इनके, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी इन्होंने पेश नहीं किया हमारे सामने। सर जिस पिछले 2-3 महीने 3-4 महीने से, बाकी वो भी मालिक को पकड़ने के बाद पता लगेगा, पूछताछ कर रहे हैं अभी इनसे।